हाल ही में हमने वर्जश अपनाओ बीमारियां मुकाओ मुहिम शुरू किया ताकि एक्सरसाइज के फायदे लोगों तक पहुंचे। अगर किसी लड़के या लड़की में टैलेंट है और किसी भी गेम में उसे आगे जाने का शौक है लेकिन उसे प्लेटफॉर्म मैसर नहीं, तो ऐसे अपराध के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म मुहैया करता है ताकि वो आगे जा सके। मौजूद हाजरीन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन खेलों के मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को सालाना PSW को अवार्ड देता है ताकि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई हो। हम खसूसी तौर पर पाकिस्तान में शार्ट गेम्स के मुकाबले मुनअक़िद कराना चाहते हैं जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होता है, ताकि लोगों को मालूमात हासिल हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम लोग शार्ट गेम्स के बारे में जानते हैं। और मैं ये बात बड़ी फख्र से कहता हूँ कि पाकिस्तान में शार्ट गेम्स को इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट PSWO को जाता है। और ये भी फख्र की बात है कि PSWO के मेंबर अहमद हुसैन ने मार्शल आर्ट्स पंचेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज। और हमारे मुल्क और कौम का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। मैं आप सब तलबा और तालिबात और खसूसन नौजवान नस्ल से कहता हूँ कि अगर किसी में टैलेंट है तो वो आगे आए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसे पूरी तरह सपोर्ट करे। ताकि वो अपना और अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। As you people know that this seminar is about sports awareness in educational bodies, institutions. So sir, to inform you about sports activities in imsciences, last time we have a sports gala in which about 600 people or students participated, which is a huge achievement for any institution. Now, as you people know that this seminar is about sport awareness in educational bodies. So, our chief guest, Mr. Ahmad Hussain, please come on stage and have words about this. Short game or martial arts. पहले तो मैं हमारे ट्रेनर्स टीचर्स और स्टूडेंट्स का मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर अपने तालाब के साथ का मौका दिया। दूसरी बात ये है कि मैं कोई प्रोफेशनल डिबेटर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक स्पोर्ट्स से है और 1987 से मुख्तलिफ गेम्स कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोविंशियल नेशनल इंटरनेशनल सतह पर खेल चुका हूँ और डेली रेगुलर एक्सरसाइज का भी आ रही हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गेम्स और स्पेशली एक्सरसाइज जो फवाद मुझे दिए हैं वो आप तक पहुँचाऊँ। मैं आज एक्सरसाइज और फिजिकल फिटनेस और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के बारे में आपको बताऊंगा और अगर हो सके तो आपको टिप्स और मशवरे भी दूंगा। जैसा कि आप सबको पता है कि जिंदगी अल्लाह ताला की तरफ से एक
अनमोल और कीमती कुर्बानी जो कि एक बार भी की, इसलिए हम सब पर उसकी हिफाजत फर्ज है। और अगर उसकी हिफाजत भी इसी तरीके से की जाए कि वो प्राइसेस हो और उसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, तो मेरे ख्याल में इससे कोई अच्छी बात नहीं होगी। और वो तरीका सिर्फ और सिर्फ रेगुलर एक्सरसाइज है, क्योंकि एक्सरसाइज ही एक ऐसा वाइज आसान और बेहतर तरीका है जिसके जरिए आप मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों जैसे मोटापा, मोटी पेट, कैंसर, जोड़ों का दर्द, शुगर, हार्ट अटैक, फॉलेज और दूसरी खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। एक जगह पर बैठे बैठे वो सारे काम करते हैं, इसलिए वो जितना खाता है तो सुमा मेरा पिक्सल मसल पॉइंट देखा है, इसकी वजह से उसके शरीर में वो इजाफी फरक देखो, तुमने कौन सा पॉइंट रखा है, पता करवाने को और आखिरकार उसको मोटापा हो जाता है। वजह को खुल कम जबकि मोटापा ही तमाम बीमारियों की जड़ और इंसान के लिए खामोश खाते है। मेरे फरक है मजा सामी अच्छा लग रहा है, अगर आपका वजन आपके आइडियल वजन से ज्यादा है और आपकी उम्र 20 ईयर्स और हाइट 5 फीट की 6 इंच से लेकर 6 फीट तक है, तो आपका आइडियल वेट 70 केजी 75 केजी तक होना चाहिए। और अगर आपका वेट आपके आइडियल वेट से 10% ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि आप 10% मौत के करीब है। इस तरह अगर आपका वेट आपके आइडियल वेट से 50% ज़्यादा है, तो आप मौत के 50% करीब हो। इसी तरह अगर मर्द हजरात में कमर की गोलाई 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा और फीमेल में 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो ये उनकी सेहत के लिए ज़्यादा खतरनाक है। और ऐसे अफराद में हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कमर और पेट के अंदर मौजूद इजाफी चर्बी जहरीले मादे खारिज होते हैं उससे, और ये चर्बी बढ़ते बढ़ते जिस्म के अहम ऑर्गन्स इंटरनल ऑर्गन्स जैसे दिल और किडनीज वगैरह को अपनी लपेट में ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये अहम ऑर्गन्स सही तरीके से अपना काम नहीं कर सकते और आखिरकार उसका नतीजा हार्ट अटैक या गुर्दे पे होने की सूरत में निकलता। लेकिन इस खतरे को आप सिर्फ और सिर्फ रेगुलर एक्सरसाइज के जरिए ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि जिस्म में मौजूद चर्बी को रेगुलर एक्सरसाइज के जरिए ख़त्म किया जा सकता है। वैसे तो आजकल मोटापे को ख़त्म करने के लिए स्लिमिंग सेंटर भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो चर्बी को ख़त्म करने के लिए किसी न किसी स्टेरॉइड्स यूज़ कराते हैं जो कि वक्ती तौर पर तो मोटापे को ख़त्म करती है, लेकिन जैसे ही आप वो पैकेज इस्तेमाल करना छोड़ देंगे तो मोटापा दूसरी रफ्तार से फिर शुरू हो जाता है। और साथ ही रिएक्शन की सूरत में आपको किडनीज और हार्ट प्रॉब्लम भी शुरू हो जाता है। इसी तरह मोटी पेट को ख़त्म करने के लिए आजकल वाइब्रेशन और हीट बेल्ट का इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन इनसे फायदे की बजाय कमर और पेट के मसल कमज़ोर हो जाते हैं, जिसका नतीजा कमर दर्द और पेट के बेशुमार बीमारियों की सूरत में निकल आता है। इसीलिए मोटापे और मोटी पेट को ख़त्म करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज ही एक आसान और बेहतर इलाज है, और रेगुलर एक्सरसाइज ही की वजह से इंसान हमेशा हमेशा के लिए जवान, सेहतमंद, स्मार्ट और